होगी भी आंटी बड़ा वाला इस चर्चा ले ले हेलो मोहरम के शरबत की तैयारियां आज ये मोहरम में शरबत बनना है हमारे यहां वैसे तो हम लोग 7 तारीख को बनाते थे मगर कल हमारी दोस्तों की ऑफ है तो इसलिए आज हम 6 तारीख को बना रहे हैं ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये रेड जेली सुख पलंगा और ये है ग्रीन वाली जेली ये चीनी का शीरा है और ये अल्पस का डब्बा हाँ ये अल्पस का डब्बा है ये बादाम पिस्ते हैं तैयारी फुल जारी है फुल माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला बरकत रखे आज हम सब शरबत बना रहे हैं ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा खूबसूरत सा शरबत देखो मेरी दोस्त कितना मेहनत कर रही है माशाल्लाह बर्फ का और बहुत बहुत ज्यादा लाइक करिएगा प्लीज अरे मेरे बच्चे तो कितने एक्सपर्ट हो गए और मैं सब के में भारी क्योंकि बहुत मेहनत कर रही है ये अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग सुबह सुबह का टाइम है सुबह के इस वक्त 10 बजे आज थोड़ा लेट उठे थी क्या छुट्टी है और थोड़ा से घर के काम थे कुछ मुहर्रम के आशुरे के टाइम चल रहा है तो इस पर हम नज़र नियाज जो भी होगा जो बनाऊंगी वो आपको के साथ शेयर करूंगी और अच्छे अच्छे आप लोगों के साथ बातें करूंगी चले आए फिर आपसे मिलते हैं लास्ट क्रश किया हुआ गाजर है चॉपर मैंने इसको बारीक पीस लिया है ये प्याज है कड़ी पत्ता और शिमला मिर्च ये मेरे ओट्स हैं और ये मेरे वो है मूंगफली है इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर दिया है मेरा बहुत दिल चाहता ओट्स खाने ओट्स रेडी हो गए हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया है देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हेल्दी है खाएँ और अपनी हेल्थ को अच्छा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग ये देखें ये मेरे आशुरे की न्याज की तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफिस से सारे काम हो गए बस ये हलीम पक गई है मेरी इस हलीम का अब बाइंड अप कर रही हूँ अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मैं बहुत हिलती जुलती हूँ जुम्मा मुबारक आज जुम्मे का दिन था बस जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ ली है अब मैं खाना खाने आई थी तो मैंने कहा चले अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ सुबह के टाइम मैं शुरू नहीं कर पाई थी तो अब मैंने शुरू किया है बस जुम्मे की नमाज़ वगैरह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपना खाना वाना खा के फिर आपसे मिलूंगी बातें करूंगी तुमने आज खैरियत है इतना अच्छा जुम्मा मनाया अल्लाह रहम करे अच्छी बातें पहन लिया अच्छा किया पहन लिया देखो दोनों तैयार नहीं होते किसी तरह भी मेरे ब्लॉग पे आने के लिए बस जुम्मे का दिन है खाना ना खा लें प्लीज़ मेरे बेटे की बात सुन लें वो कह रहा है कि मेरे कितने अच्छा किसने कहा है ये आना नहीं चाहता लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ ये खड़ा हुआ है लेकिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ के सब खा बैठे हैं बस खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था सुबह रोहान साहब आएंगे अभी आने वाले हैं इतना मिल गई है हमें उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ हाँ उनके इस्तकबाल की तैयारी ट्यूशन से सीधे यहाँ आने वाले रोहान बनेंगे ना ये अच्छे बनेंगे चाय कौन सी पीनी है इलायची वाली या सादी हाँ मैंने पीनी चाय ओहो देहरा नहीं तो बोरियत हो गई है जिंदगी बोर हो लग रही है तो लग रहा कुछ है शाम हो गई है बहुत बोरियत है जुम्मा का दिन है सारा दिन गुजर गया लॉकडाउन और इसमें कहीं जा आ भी नहीं सकते हैं बाहर मैंने सोचा चलो छत पे आ जाती हूँ चाय पीऊँगी अच्छी सी
माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला, हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हवा है माशाल्लाह से। बस अभी रूहान का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर चाय पियेंगे, रूहान से बातें करेंगे, फिर मैं मिलवाती हूँ। आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, अल्लाह करे आपको सब अच्छा लगे। चले रूहान आ गया, बस आने वाला है, जैसे ही आएगा मैं उससे मिलवाऊँगा। रूहान पता नहीं कब आएंगे, मुझे बहुत सारी बातें करनी है उनसे। थक गए, आओ ऊपर आकर। आए, ये आए, आ गए ट्यूशन से आए भाई। सलाम करो सबको, हेलो बोलो, हेलो हेलो, दिखाओ इधर आओ। मामा कहाँ गई हैं? नमाज पढ़ने गई हैं। टी शर्ट पे दिखाओ हाथ हटाओ, एक मिनट को। जीब्रो बनाना, जीब्रो सारा काम हो गया, मैंने अपना किचन भी क्लियर कर दिया है, और बस अब अचानक मेरी बेटी को सूझी है कि मम्मा मेरे थोड़े से फ्रंट बैंग्स कट कर दें, थोड़ा चेंज आए, तो मैं इसलिए उसको थोड़े से उसके बालों की पार्टिंग की है मैंने इस तरह, और अब मैं इसके बालों का हेयर कट, इसका फ्रंट ऊपर देखो जरा, इसका हेयर कट करूँगी, फ्रंट कट। अब अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और अच्छे अच्छे सजेशंस दें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।